नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, जहां कोरबा में पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर के बेटे ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। बस स्टैंड में संदीप कंवर ने यात्रियों से बदसलूकी और गाली गलौज भी किया। शराब का नशा इतना ज्यादा हो गया कि संदीप कंवर बस के सामने ही लेट गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शराब के नशे में मस्त संदीप कंवर जिला पंचायत सदस्य भी हैं। तो शराब के नशे में ये संदीप कंवर, जो कि इतने ज्यादा नशे में थे कि वो बस के सामने लेट गए। ननकी राम कंवर के बेटे हैं, जो कि बस स्टैंड पर यात्रियों से बदसलूकी और गाली गलौज करते हुए दिखाई दिए। शराब का नशा इतना ज्यादा था कि संदीप कंवर बस के सामने लेटे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शराब के नशे में मस्त संदीप कंवर जिला पंचायत सदस्य भी हैं। तो ननकी राम कंवर के बेटे ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया, बदसलूकी की बस स्टैंड पर यात्रियों के साथ और गाली गलौज करते हुए भी नजर आए हैं। तो कोरबा में पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर के बेटे ने शराब के नशे में ये हंगामा किया, जिसका वीडियो आप ये देख सकते हैं, जो कि सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बस स्टैंड पहुंचे थे, जहां यात्रियों के साथ बदसलूकी और गाली गलौज करते हुए भी नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें हैं उस वक्त की, जब बस स्टैंड पहुंचे थे ननकी राम कंवर के बेटे और संदीप कंवर, जो कि शराब के नशे में धुत थे, बस के सामने ही ये लेट गए। ये आप वीडियो के जरिए भी देख सकते हैं कि इस तरह से नशा सर चढ़कर बोल रहा था और वो बस के सामने ही लेट गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शराब के नशे में मस्त संदीप कंवर जिला पंचायत सदस्य भी हैं। नीलम हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ। नीलम, शराब का नशा सर चढ़कर बोल रहा है कि सामने कौन है, यात्रियों से बदसलूकी, गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कीर्ति, इसको कहा जाता था कि शराब का नशा सर चढ़ के बोल रहा है, क्योंकि ये पूर्व गृह मंत्री और रामपुर विधायक ननकी राम कंवर के बेटे हैं संदीप कंवर, जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं। ये कल देर शाम शराब पीकर कोरबा नया बस स्टैंड पहुंचे थे और वहां पे लोगों के साथ गाली गलौज किया और उनके साथ जो भी ये अपना शराब के नशे में उनके साथ हुज्जतबाजी की। इसी बीच किसी ने अंधेरे का फायदा उठाकर इनके साथ इनको एक दो तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद ये जो भी बस आता था उसको रोक के उसके सामने लड़ जाते थे, उसको रोक के गाली गलौज करते थे कि आप ही लोगों ने उसको मारा है। इसके साथ जो कार्यकर्ता थे वो समझाते रहे कि भैया ये वो लोग नहीं है, फिर भी ये शराब के नशे में इतने मदहोश थे कि गाली गलौज करते हुए बस वाले को रोकते थे, उसके सामने लड़ जाते थे। ये बहुत गंभीर मसला है। पुलिस वाले भी जब आए सूचना पे तो उनके साथ भी ये मतलब हुज्जतबाजी करने लगे। बाद में कुछ समझा के घर ले जाएगा, तब जाके मामला शांत हुआ। बिल्कुल, मामला तो शांत हो गया है क्या, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई की गई है, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य भी हैं और जिस पद पर है उस तरह से ये जो वीडियो सामने आया है वो बिल्कुल आपत्तिजनक है। अभी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इनको समझा बुझा के घर भेज दिया गया है, लेकिन वाकई ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि पूर्व गृह मंत्री का बेटा स्वयं जिला पंचायत सदस्य होने के बाद इस तरह से जो हरकत की गई है, गंभीर विषय है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। बिल्कुल, तो गंभीर विषय है। और बस स्टैंड पर जिला पंचायत सदस्य संदीप कंवर, जो कि ननकी राम कंवर के बेटे हैं, वो गाली गलौज करते हुए बदसलूकी करते हुए नजर आए थे। नीलम, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। हेलो वो दादा करो, अरे वो नहीं है भैया, कोई मार रहा है, हाथ जोड़ रहा है, नहीं है नंबर बोल दे, हम बुला उसको थोड़ा। आप कहाँ जोड़ता हूँ भैया, बोला उसको प्लीज भैया हो भैया सब, अरे चलो उसको बुलवाएंगे ना भैया, अरे चलो